नमस्कार दोस्तों, ज्योति न्यू ड्रीम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी जो दादा दादी का मनपसंद महुआ का रेसिपी, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग देख सकते हैं, मैं आ गई हूँ महुआ के पेड़ के पास। देख सकते हैं यहाँ पे काफी ढेर सारा महुआ गिरा हुआ है, तो मैं यहीं से महुआ एक एक करके बीन लूंगी। और महुआ छुआ हुआ था, बच्चे लोग बीन के लेके चले गए हैं। चुके हैं घर पे, अब इसे हम साफ पानी से धुल के साफ करेंगे। तो अब हम इसे एक साफ पानी से धुल लिए हैं, एक बर्तन में धुल के रख लेते हैं। धुलने के बाद इसका जो है महुआ का रस निकालेंगे। ऐसे दोनों हाथ से मसल मसल के हम इसमें से जो महुआ में रस होता है वही निकालेंगे। तो ये देखिए, इसमें से रस निकल रहा है। और महुआ का रस जो होता है बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है सेहत के लिए। तो हम महुआ में से रस को निकाल लिए हैं, ये देखिए। तो अब हम इसे इस तरीके से निचोड़ के सारा रस निकाल लेते हैं। तो ये हम एक थाली में रख देते हैं, भैंस को खिलाएंगे। यहाँ पे हम पतीला लिए हुए हैं और ये लिए हैं चलनी। अब हम जो रस निकाले हुए इसे छान लेते हैं, जो खुजियाँ हैं निकल जाएंगी। ये देखिए, हमने सारे खुजियाँ को अलग कर दिया है। तो हम सारे खुजियों को निकाल दिए हैं। तो ये देखिए, रस हमारा काफी अच्छा लग रहा है। तो आज मैं अपने किचन में ही वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों, बाहर में बनाती तो बहुत ही मक्खी लगती, क्योंकि महुए का जो है रस होता है बहुत ही मीठा होता है, तो चारों तरफ मक्खियां लगने लगती हैं। तो आज मैं महुए का रस जो है इसका बनाऊंगी, महुए के रस से हलवा। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए किस तरीके से मैं बनाऊंगी। तो अब सबसे पहले मैं गैस को ऑन करूंगी। तो गैस को हमने ऑन कर दिया है, कढ़ाई को रख दिया गैस पे। अब मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं। तो हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है, तो ये हम आटा लिए हैं, इसे हम चाल लिए हैं। अब इसे अच्छी तरीके से तेल में भूनेंगे। तो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं किचन में वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ। तो दोस्तों, मेरे किचन में जो है जगह बहुत कम है, इसलिए मैं किचन में वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो आज हमने सोचा कि आप लोगों को बना के दिखाई दूँ। तो इसे लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे जब तक मेरा ब्राउन ना हो जाए आटा। तो ये देखिए, मेरा आटा जो है ब्राउन हो गया है। तो इसमें अब हम ये जो महुआ का रस गारे हुए हैं, तो अब हम इसे डाल लेते हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से चलाएंगे, इस तरीके से करके जो गुठलियाँ हैं सारी गुठलियाँ फूट जाए इस वजह से, ये भी गुठलियाँ रह न जाए इसमें। तो महुआ का जो रस है बहुत ही मीठा होता है, इसमें अब हल्का सा ही चीनी डालेंगे। ये देखिए, तो हो गया। अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ और इस तरीके से। तो इसमें से मैं सारे गुठलियों को फोड़ दी हूँ, ये देखिए। अब मैं इसमें काजू डाल देती हूँ। तो हलवा मेरा बनके तैयार हो चुका है। तो प्लेट में सर्व करके हम दादा दादी जी को खिलाएंगे।
तो हम सर्व कर लिए हैं, ले चल रहे हैं दादा दीदी को देंगे। तो इधर पे आने के मालिश हो रही है, दादी मालिश कर रही है, तो अभी मालिश कर लेंगी दादी तब खाएंगी। तो हम दादा दादी जी को जब हलवा दिए तो देखिए आदमी देख के खुश हो गए कि मुझे भी मिलेगा। जब कोई भी खाता रहता है तो खुश हो जाती है खाना देख के। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा महुआ का हलवा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और लाइक करिएगा। अब मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।